मुझे मिल नहीं सकता। हमसे बात करें तो फायदा मुझे सुरक्षा वाले को मिला, ठीक है हमसे बात करें, लेकिन रोक तो आप लोग वहाँ से लगी है ना। नहीं सर, ये कोई साहब, आज आप लोग आजम खान साहब से मिलने गए थे, आपको मिलने नहीं दिएगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का मंसूबा हम लोगों को अच्छा समझ में नहीं आ रहा है कि किस नियत से आजम खान साहब से किसी को मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोगों को रोका गया, क्यों रोका गया ये? अब ये वहाँ पे अस्पताल प्रशासन तो कह रहा है कि भाई सरकार ने इजाज़त नहीं दी है किसी को मुलाकात करने के लिए, तो हम तो यही कह रहे हैं कि हमें तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की नियत ही ठीक नहीं, इसलिए मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, आजम खान के साथ जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आजम खान के साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, प्रदेश सरकार और अखिलेश यादव जी दोनों मिल के आजम खान के साथ ये फर्जी मुकदमा लगा कर इनको फंसाया गया, इसमें अखिलेश यादव का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, अगर इसके खिलाफ आप लोग क्या क्या कार्रवाई करेंगे? इसके खिलाफ हम लोग की बैठक होने जा रही है, हम लोग पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आजम खान साहब के लिए एक अभियान चलाएंगे, जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे, उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उसको सरकार वापस ले और उनको छोड़ा जाए, रिहा किया जाए। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया है कि हम उनके लिए चक्का जाम भी करेंगे और उनके घर जाकर भी मिलेंगे। नहीं, उनके घर जाएंगे, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे और चक्का जाम नहीं, जो भी हो बन पड़ेगा पीपुल जस्टिस पार्टी आजम खान साहब के लिए करेगी, उनके परिवार के साथ पीपुल जस्टिस पार्टी का पूरा खड़ा है उनके साथ। आपकी पार्टी के लिए कोई संदेश आजम खान के लिए? हमारी पार्टी की तरफ से बस उनके परिवार आजम खान साहब के लिए यही संदेश है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और अस्पताल से वो वापस घर आ जाएं और जो ये मनुवादी ताकत है इनका सफाया किया जाए हम लोग मिलके साथ में, और आजम आप किसी से